हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग रियली गुड सो चिल्ड्रन इन जी के आर टूडेज टॉपिक इज मेजरिंग यूनिट्स सो लेट स्टार्ट द चैप्टर ए टिक द करेक्ट आंसर मुझे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है थीके, आपको फिल्म द ब्लैंक्स करना है फिल्प करना है उसे किससे करेक्ट ऑप्शन से जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है एंक स्ट्रॉम ए इज अ यूनिट ऑफ डैश ऑप्शन ए टाइम ऑप्शन बी वेव ऑप्शन सी फोर्स यहाँ पे पूछा गया है कि एंगस्ट्रॉम जो है वो किसकी यूनिट है तो वो बच्चों यूनिट है ऑप्शन बी वेवलेंथ की सेकंड एनर्जी इज मेजर्ड इन डैश ऑप्शन ए न्यूटॉन्स एन ऑप्शन बी जोल्स जे ऑप्शन सी ओ एच एम डब्ल्यू बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि एनर्जी जो है वो किस चीज़ में मेजर की जाती है तो मेजर की जाती है ऑप्शन बी जोल्स में थर्ड वॉट डब्ल्यू इज अट विच इज यूज टू मेजर डैश ऑप्शन ए फोर्स ऑप्शन बी एनर्जी ऑप्शन सी पावर बच्चों वॉल्ट जो है एक यूनिट होती है जो कि किस चीज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है ये यूज की जाती है पावर को ठीक है तो आप यहाँ पे पावर लिखेंगे फोर्थ वॉल्यूम इज मेजर्ड इन डैश ऑप्शन ए मीटर्स एम ऑप्शन बी लीटर्स एल ऑप्शन सी सेकेंड्स एस तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लीटर्स क्योंकि आपको पता है मीटर्स हम किसके लिए करते हैं किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं और सेकेंड्स जो होता है वो आपका टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है मतलब वो टाइम का ही एक क्या होता है हिस्सा होता है तो वॉल्यूम को हम यूज़ करते हैं मेजर करते हैं किसमें में लीटर्स में फिफ्थ है पास्कल इज द यूनिट ऑफ डैश ऑप्शन ए मास ऑप्शन बी फोर्स ऑप्शन सी प्रेशर तो यहाँ पे बच्चों पूछा गया है कि पास्कल जो है वो किसकी यूनिट है इनमें से तो वो यूनिट है आपकी प्रेशर की नाउ सिक्स इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन डैश ऑप्शन ए एम्परस ए ऑप्शन बी वोल्ट्स ऑप्शन सी वॉट्स इलेक्ट्रिक करंट को हम किस चीज में मेजर करते हैं उसको मेजर किया जाता है ऑप्शन बी वोल्ट्स में सेवन वोल्ट वी इज़ यूज टू मेजर डैश ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कुछ पूछा गया है कि वोल्ट को हम किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ठीक है अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग यूनिट्स विद देयर सिंबल यहाँ पे कुछ आपको यूनिट दी गई है और शॉर्ट में मतलब उसका सिंबल क्या कहलाता है उसको हम उससे क्या करेंगे मैच करेंगे सबसे पहला है एम्पर इसको शॉर्ट में या यू कह लो उसका सिंबल कहलाता है आपका ए सेकेंड है हर्ट्स हर्ट्स का सिंबल है आपका एच जेड तो आप डी ऑप्शन से इसे मैच करेंगे मीटर्स का आपको पता ही है मीटर का जो शॉर्ट होता है या सिंबल होता है वो आपका कहलाता है एम सेकेंड का शॉर्ट या आप सिंबल कह लो वो कहलाता है एस एंड किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म कहलाता है आपका के जी न्यूटोन का आपका शॉर्ट फॉर्म या सिंबल कहलाता है ऑप्शन ई एन नॉलेज कॉर्नर देर आर थ्री सिस्टम विच हैव प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ द यूनिट दैट आर इन यूज टूडे द एम के एस ए मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पर सिस्टम द सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एस आई यूनिट्स द डिजिटल बैलेंस शोज एकोरेट वेट सो वी शुड बाय द गुड्स फ्रॉम दोज शॉप्स वेयर इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ टू पैन बैलेंस बच्चों यहाँ पे हमें फैक्ट बताया गया है कि यहाँ पे हमारे पास थ्री सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिट्स को जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं ठीक है सबसे पहला है इसमें एम के एस ए ये आप आजकल यूज़ करते हो ठीक है जब आप सब्ज़ी खरीदने जाते हो तो आप क्या इस्तेमाल करते हो कि भैया मुझे एक किलो क्या दे दो आलू दे दो इस तरह से हम मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पर्स सिस्टम को यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है सेकेंड आता है हमारा सी जी एस जो कि होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये भी हम आजकल ये टर्म्स को यूज़ करते हैं और थर्ड आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि एस आई यूनिट कहलाता है अब नेक्स्ट हमें फैक्ट बताया गया है कि जो डिजिटल बैलेंस होता है शो करता है आपको एक्यूरेट वेट ठीक है इसीलिए ये कहा गया है जिनके पास डिजिटल बैलेंस होता है जिसमें आपको एक्यूरेट वेट नज़र आता है हमें उसी शॉप से क्या करना चाहिए शॉपिंग करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ टू पैन बैलेंस मतलब जो तराजू होता है जिन शॉप्स में वो तराजू वाला सिस्टम होता है आपको उनसे शॉप्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए सब्जी वगैरह नहीं खरीदनी चाहिए जिनके पास आपका डिजिटल बैलेंस होता है जिसमें आपका पॉइंट करके आपका किलोज में आता है आपका ग्राम्स में आता है उन्हीं को आपको उन्हीं शॉप से क्या करना चाहिए परचेज़ करना चाहिए तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा अब इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे